अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। आज मैं जी अपने दोस्त रिजान साहब के पास एक बार से फिर से आया हुआ था और इनके कुछ नवाब वाली नस्ल है, मैंने कहा वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के कबूतर हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पेयर मेरे हाथ में है जो आप ये देख रहे हैं, तो मैं आपको इसका शो करवाता हूँ। इनके पास और जो पड़े हुए उनका भी शो करवाता हूँ, कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी अंदर थोड़ी सी दिखाऊंगा आपको केज के अंदर। तो इस कबूतर से शुरू करते हैं, फिर आगे मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये कबूतर है और सबसे पहले मैं आपको इसकी आँख दिखाता हूँ। इसकी आँख देखिएगा, इसकी आँख को जूम करना, ये चेक करें, वहाँ पर क्लिक करो, ये क्लियर होगी इसकी आँख। अच्छा, इसकी आँख में देखें आपको जिस तरह का इसके सर का कलर है वही कलर की इसकी आँख चल रही है, वही कलर की इसकी चोंच है, उसी कलर की इसके जो आपको पलकें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये चेक करें आँख के रिंग, आपको कबूतर के बिल्कुल वाजियाँ यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। क्या कमाल की आँख बनाई हुई है, ठीक है। लाखे कबूतर हैं ये, इनका कलर आप देख सकते हैं सिर्फ, और बड़े अच्छे बड़े साइज़ के भी कबूतर नहीं है, दरमियाने साइज़ के कबूतर हैं और इनका जिस्म मजबूत है। ऊपर ये कुछ चंद परियां जो हैं वो लाल आई हुई हैं, बाकी टेल है इसकी देख लें जी, वो भी उसी कलर में है, बंद है। और ये इस कबूतर के पर हैं, परियां देख लें ऊपर कितनी चौड़ी हैं, पर देख लें कितने चौड़े पर, तीली बारीक है इनकी, वो बड़ा मजबूत कुंदा और कुंदा अंदर की तरफ को जा रहा है, जो एक अच्छे कबूतर की निशानी है। ख़ास तौर पर इस पर गौर कीजिएगा, ये तीली भी अंदर से इसकी ब्राउन चल रही है, और ये देखें ये एक साइड का इसका पूरा कुंदा, ठीक है। और ये है इस कबूतर का दूसरी साइड का कुंदा, ये चेक करें, यहाँ से भी सेम वही तीलियाँ परियाँ भी ऊपर से ब्राउन सी आई हुई हैं। और ये इसके पंजे हैं, पंजे देखें, खुश्क देखें, ऊपर देखें पर कहाँ तक आए हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं कबूतर। बाकी केज में मैं इनको ज़रा एक बार से जोड़ इस कबूतर के बंद हैं, और ये टोटली कबूतर की बनते रहे। इसके साथ जो मादी है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ, और जोड़े के लिहाज से देखता हूँ कि इन्होंने जोड़ा जो लगाया वो किस तरीके से बैलेंस भी लगा हुआ के बस। तो ये है ले जी, ये मादी है इस कबूतर के साथ, और इसकी आँख को भी जूम करना ज़रा आँख को, ये चीज़ आँख तो बड़ी मैच हुई है। अच्छा, ये टैडी कबूतरों में फेरे हुए कबूतर हैं, बने हुए कबूतर हैं, ये पल्ला उसके पर चौड़ी हैं, इसके पर बारीक हैं, पर दोनों के ही अंदर की तरफ चल रहे हैं, पर मादी के पर तो स्ट्रेट चल रहे हैं, टेल इसकी बंद है। अच्छा, टेल इसकी बंद है, इसके मैं आपको पंजे दिखाता हूँ, पंजे इसके भी खुश्क हैं बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं। बाकी ज़रा अजान हो जाए फिर मैं आपके साथ जो है वो आगे वीडियो में जो है चीज़ें शेयर करता हूँ। मोती बड़े प्यारे डाले हुए यार, एक ये नर है, और पहले भी आपको मैंने इसी कलर में नर दिखाया, एक ये वाला नर है, तो इसका भी आपको मैं शो करवाता हूँ। और एक चीज़ के नर ज़्यादा इसी कलर में निकलते हैं, और मादियाँ वो जो छाप वाले कलर में निकलती हैं, ये इसके पर हैं, ये पर इस तरह आ जाता हूँ मैं, ये बीच में से कली गिरी हुई है, इसकी नौवीं कली नहीं है, इसके पर भी उसी तरह से चौड़े हैं, इनमें परों में कस बड़ी ज़्यादा, ये देखो ठक वापस आता अपनी जगह पे, ये देखें ट्रांसपेरेंट नीचे से आपका मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा, तीली इनकी बड़ी अच्छी है परों में, बाकी ये वेव्स देख लें, ये वेव्स सारी आई हुई हैं परों में, बगलें बड़ी हैं देख लें, मैंने खोला हुआ पर उसने बगल अपने जिस्म से जो है हटाई नहीं है, नंबर एक बात। और ये दूसरी साइड का कुंदा, वही तीली यहाँ से भी अंदर से जो है ना, ये देखें स्लेटी कलर में आ रही है, स्लेटी कह लें जो लाखी कह लें, बाकी ये चीज़ देख लें जो अच्छे कबूतर की निशानी के अंदर होती है, ये देखें कली बड़ी ही होगी, जो भी अच्छा कबूतर होगा उसकी कली बड़ी होगी। बाकी इसके कट्स देख लें, बाकी ये टेल है, मैं टेल आपको खोल के भी दिखाता हूँ, है तो बंद है, खोलते नहीं है, ये देखिए ये टेल है, खूबसूरती देखें आप, पंजे भी दिखाता हूँ आपको आखिर में, मैंने कहा आपको आँख दिखाऊँगा, ये इसके पंजे, इसके भी अंदर यहाँ पे ये जो पर रहे हैं जो पहले हैं। बाकी मैंने आपको पिछले दिनों एक और दोस्त की छत पे कबूतर दिखाए थे, उनके भी सेम इसी तरह के कबूतर थे, और वो भी जो है ना आपने उनका भी आंखों का पैटर्न देखा था, ये थोड़े से उनसे डिफरेंट है, ये इसकी आँख चेक करें, क्या बात है।
मोरा देखें इसका कितना अच्छा बना हुआ है, बल्ला मोरा देखें उस, यहाँ से देखें ये देखें, इनके दो बच्चे मेरे पास आए हैं उड़ने के लिए, देखते हैं वहाँ पे क्या कारकर्दगी देते हैं। इन्होंने मेरे पास भेजे थे उड़ने के लिए। इनकी आँख के अंदर जो ज़र्रात हैं वो बड़े अच्छे हैं, जो आँख के अंदर नमी है वो बड़ी अच्छी है। मुझे जो आँख के अंदर चीज़ें पसंद हैं, रोशन आँखें हैं, खुली आँखों के कबूतर हैं, और यही चीज़ें होती हैं जो आँख में देखने वाली होती हैं। बाकी बाहर की तरफ को निकली हुई है, नूर का झुकाव जो है वो चूंच की तरफ है, तो एक अच्छे कबूतर के हवाले से जो है ना ये चीज़ें हैं। तो बाकी आपको इसके साथ की जो है वो मादी में दिखाता हूँ कि वो मादी किस तरह की है। अच्छा जी, ये मादी है, उसके साथ हल्के से मादी के जोड़ खुले हुए हैं, मादी इसी कलर में है। और ये देख लें, आँख पे क्लिक करो, ये आँख का स्ट्रक्चर देखो आपके, इनकी आँखों की डायल देखें कितना बड़ा, और ये देखें आँख के रोशन कितनी ज़्यादा है। तो आगे से जो बच्चे हैं उनमें यह है कि नाइट में बैठने की सलाहियत भी अच्छी होगी, और जिन्होंने जो आँख साफ़ की हुई और जो नरों की आँखें रेतली हैं ना, तो आगे से बच्चों की आँख जो है ना वो और भी ज़्यादा मज़े की बन जाती है। ठीक है, इन्हीं में से ब्रीडिंग के लिए भी बच्चे रोकते हैं, इन्हीं में से उड़ाते भी हैं। ये देखें नर का पर, उसका भी चौड़ा था, इस मादी का पर भी बरीक का, ऊपर से नोके बरीक है, नर की गोल थी, 9वीं 10वीं बराबर है, 8वीं उससे छोटी है। ये देखें क्या बात है, बहुत ही अच्छा, एक साइड का और ये दूसरी साइड का, परों की चढ़ाइयाँ बहुत अच्छी हैं, मतलब कि पर के अंदर पर फंसा हुआ लोक लगे हुए हैं, तो वो जो है ना एक अच्छे कबूतर के हवाले से बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। ये देखें वापस आते हैं जी, इसके पंजे चेक करें, मोती डाले हैं इन्होंने, मोतियों वाली साइंस पता नहीं क्या है, इनको ही पता होगी। तो आपको मैं इनके और भी नवाब वाले कबूतर दिखाता हूँ। एक ये है जी कबूतर, अच्छा ये नर आया जो मेरे हाथ में, जिस कलर में मैं कह रहा था ज़्यादा मादियाँ निकलती हैं, ये एक नर निकला वो उस कलर के अंदर, और इतना को परेल कबूतर है, दरमियाने साइज़ का कबूतर है, बहुत ज़्यादा परेल है इसके, मतलब कि हाथ से फिसल रहा है, और इसके पर बहुत ज़्यादा हैं, इसके जिस्म के ऊपर इंतहाई ज़्यादा पर हैं। इसकी आँख आप देखें, इसकी आँख भी किस तरह से रोशन आपको नज़र आएगी, चेक करें आँख का डायल देखें, आँख देखें रोशन, कमाल की आँखें हैं इनकी, ये चेक करें। मैंने कहा आज आपके साथ कुछ स्पेशल चीज़ें शेयर करता हूँ, ये इनके पास जो पड़े हुए हैं, इसके मैं आपको पर दिखाता हूँ, पर देखिएगा आप, इसने ये देखें, जो नरों के पर चौड़े परों का कबूतर है, ये भी चेक करें, ये देखें ये दूसरी साइड का टेल इसकी भी बंद है कबूतर की, देख लें आपके सामने सिंगल पत्ते की टेल है। इसके मुझे पंजे भी बड़े अच्छे लगे, एक तो इसमें पाउडर बहुत ज़्यादा कबूतर के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा पाउडर है। ये इसके पंजे हैं, चेक करें देखें कितने गहरे पंजे हैं, आपको मतलब कि जामनी कलर के पंजे जिसको कहते हैं ना वो नज़र आ रहे होंगे। बाकी ये मैंने गिनी है, ये 15 हैं, 14 हैं क्या पता नहीं, 15 हैं ठीक है, इसकी उंगलियों पर जो कट्स हैं। बाकी ये देखें परेल देखें, परों के पूरे गुच्छे हैं इस कबूतर के ऊपर, ये एक नर है। बाकी आपको मैं अंदर था ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाता हूँ, और थोड़ा सा ब्रीडिंग कबूतरों के हवाले से, सर्दियों के ब्रीडिंग के हवाले से जो इन्होंने इकदाम किए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ये ज़रा केज में आ गया हूँ, मैंने कहा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कबूतरों की खड़ी होने की स्टैंडिंग पोजिशन, वो जो मैं नवाब वाले कबूतर आपके साथ जिक्र कर रहा था, एक तो ये बैठा हुआ है ना, ये देखें ये है, अब इधर अंदर रोशनी का थोड़ा सा इशू है, तो वो वीडियो की जो क्वालिटी थोड़ी कंप्रोमाइजिंग हो जाएगी, उसके लिए मैं आपसे पहले ही माजरत कर लेता हूँ। बाकी ये देख लें, ये कबूतर इनके बैठे हुए हैं, और अंदर की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, वो दिखाता हूँ। यार ये जोड़ा भी आपका बहुत प्यारा बैठा हुआ सामने, ये जो क्रेट के ऊपर है, आपको मैं जरा यहाँ पे ना ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनकी दिखाता हूँ। मैं तो सर्दियों में ब्रीड नहीं करवाता, और ये गर्मियों में नहीं करवाया करते, पहले खाने के अंदर तो कुछ नहीं है। ये कौन से जोड़े के बच्चे हैं? इंडियन लाख के, मोमी चोंच, हाँ वो तो नज़र आ रही है। बाकी बच्चों की पलाई के हवाले से, और मैं इनके जो थोड़ी सी तरतीब शेयर करनी थी ना सर्दियों की, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो आपको मैं दरअसल वो चीज़ जो है ना वो मैं आपको दिखाता भी हूँ केज में। यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये एक कबूतर दो अंडे लेके बैठा हुआ खाली है, यहाँ पे दो अंडे आए हुए हैं, और ये देखें ये दो बच्चों की पलाई चेक करें, ये तो किसी सियालकोटी जोड़े के बच्चे हैं ना,
और यहाँ से नीचे वालों में दो अंडे पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ? बच्चे दो छोटे कहाँ पे हैं? वो दो हैं, दिन के हैं। अच्छा अच्छा, वो बहुत छोटे हैं यार। और यार ये बच्चे तो एक मिनट में बाहर निकालना चाह रहा हूँ, ये मैं तो बाहर निकाल के दिखाता हूँ यार। बच्चे मुझे बड़े कमाल के लग रहे हैं, चक्कर ये देखिए, ये वो जो जोड़ा दिखाया उसके बच्चे तो नहीं है कहीं? क्या बात है, ये चेक करें, बच्चे चेक करें आप। मैं बच्चों की ग्रोथ के हवाले से बड़ी जो है ना वो है कि बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। ये भी डाक देते हैं इधर वापस। अच्छा ये जो ग्रोथ का मामला है ना वो एक ये देखें, अब ये जिस तरह बच्चा खड़ा हुआ है तो ये देख लें इसकी पलाई भी अच्छी हुई है। एक अब ये टैडियों का बच्चा, ये ऊपर एक ठीक है। अच्छा ग्रोथ का जो सीन है वो ये है कि इन्होंने केज में एक तो मिट्टी रखी हुई थी और दूसरा ये जीरो नंबर की चिप्स डाली हुई, और दाना वही डालते हैं जो मैं दाना लेता हूँ, आम दाना, स्पेशल दाना कोई नहीं है। ये जो जीरो नंबर की चिप्स ग्रिट है ना इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, इससे बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं। और ये मेरा जो है एक्सपीरियंस है, बाकी ये कुनालियों के अंदर दाना शाना डालते हैं, एक में इनमें दाना डालते हैं, बाकी ये जो है पानी का बर्तन पड़ा हुआ, बच्चों की पलाई आपके सामने है। और सर्दियों में बच्चे पल रहे हैं, ये रात को कबूतरों को कवर कर देते हैं, और उस हिसाब से जो है ना मैं तो कवर भी नहीं करता, मेरा थोड़ा और ही सीन चल रहा होता है। बाकी आपको मैं ज़रा दूसरे केज में भी थोड़ा से बच्चे जो है वो भी चेक करवाता हूँ, कबूतर दिखा देता हूँ ताकि वो भी आपको नजर। बाकी यार इधर अंदर आना, ये एक ये हरा जोड़ा दिखाना है, ये नहीं हरा, इसको पकड़ना सर, ये इसको मैं दिखाना है एक में। या ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मुझे एक नज़र आई है केज में, तो बड़ी अच्छी मादी माशाल्लाह से, इसकी आँख दिखाना, नीली कमगर मादी है, क्लिक करना आँख से, ये चेक करें आप इसकी आँख, नीली कमगर मादी है ये। अब ये पल्ला होना चाहिए कबूतरों का, एक तो आखिर तक पल्ला बाहर को निकल रहा, बाकी आप देखें पल्ला बड़ा कितना ज़्यादा ये। इसके लिए नर जो है वो जिन्होंने सेलेक्ट किया वो भी बड़ा अच्छा किया हुआ चौड़े परों को, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ वो कबूतर। ये इसके पंजे कमाल के पंजे हैं, ठीक है ये। बाकी कबूतर माशाल्लाह से एक्टिव हैं। ये नारा जी जो कि उस मादी के साथ लगा हुआ है, और ये भी नीला ही कबूतर है, ये इसकी आँख है, आँख देखिएगा उसकी आँख में लाली ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है। मादी के पर बारीक हैं और नर के पर उतने ही चौड़े हैं जितने मादी के बारीक हैं। एक साइड का कुंदा, ये इसका दूसरी साइड का कुंदा, बाकी इनके बच्चे निकलेंगे तो पता चलेगा कि क्या आगे से कारकर्दगी करते हैं, तो छोड़ देती हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने एक होती है, मुझे जाते जाते याद आ गई, मैं आप वीडियो एक यहाँ पे मैंने आपके साथ दो बच्चे शेयर किए थे, ये चेक करें, एक बच्चा ये बन गया और दूसरा ये बन गया हुआ। ये मैंने आपके साथ पहले एक दफ़ा शेयर किए थे जब मैं यहाँ पे आया था कि ये इनके पास निकले हुए हैं, तो ये बड़े ही खूबसूरत निकले हैं। तो इसके लिए मादियाँ जो हैं वो हमने आप इस तरह की लगा देनी है जिस तरह के ये खुद हैं, इस तरह की ही इनके साथ मादियाँ भी लगाएंगे। ले दोस्तों ये मैं दूसरे केज में आ गया हूँ, और यहाँ पे भी ब्रीड बड़े अच्छे तरीके से जारी और सारी है। अब जिस तरह के ये देख लें, ये सामने बच्चा निकला हुआ है, उसके बाद वो इसका नीचे दूसरा भाई वो नीचे बैठा हुआ है, एक वो बच्चा लाखा सा निकला हुआ है, ये भी नवाब वालों में से इनका निकला हुआ है, फिर एक वो पीछे वो जो लाल सा शेड दे रहा है वो भी नवाब वालों का ही है, इसमें थोड़े टैडी शैडी डाले हुए हैं, ये एक रामपुरी सा कबूतर बैठा हुआ है, फिर वो पीछे दो दुबाज दुबाज बेबी ने चेक करें, ये इनका माँ बाप आ गया, हो वाओ वाओ वाओ, ये बड़ा अच्छा पोज दे दिया यार इन्होंने तो, ये चेक कर ले जी, ये दुबाज हो गए ठीक है। और इसके अलावा जो है चेक करें, मैंने कहा चलें एक इनका अच्छा सा पोज ले लेते हैं, ठीक है ये दुबाज हो गए। उसके अलावा इनके बड़े अच्छे माशाल्लाह से यहाँ पे ये देखें, ये रामपुरी कबूतर चेक करें, ये इंशाल्लाह फिर मैं किसी दिन आपको वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी अब लेंथी होगी भी है। और बाकी इधर से ये कि नीचे जो मादी देख रहे हैं ना वो चेक करें, ये मेरे घर से आई हुई है घाटे के अंदर, यहाँ पे भी इन्होंने देख लें केज में जीरो नंबर की चिप्स रखी हुई है, और वही आम दाना सुबह शाम जो डलता है, दो टाइम ब्रीडर कबूतरों को दाना डलता है, और बच्चों की पलाई आपके सामने है। बाकी यहाँ पे एक सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि लो फ्लायर पेयर भी इन्होंने एक रखा हुआ है,
आप देख सकते हैं लगा लगाया पेयर। ठीक है, तो आपने बताना ज़रूर है आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मुझे यहाँ पे वो पीछे जो बच्चा वो बड़ा पसंद आ रहा है, एक वो जो लाखा सा बच्चा बड़ी लंबी नोक के अंदर, ये टैडियो में से निकला किन में से निकला? ये रामपुरी और नवाब वाला, रामपुरी और नवाब वाले। अच्छा, रामपुरी कबूतर वो बच्चा मार सकता है क्योंकि रामपुरी कबूतर जो है उनके अंदर से वो चीजें निकल सकती हैं। ये पेयर बैठा हुआ है ये सामने? अच्छा अच्छा, गुड हो गया। सही 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 सही, ये पेयर है जनाब, ये पेयर है और नीचे पीछे वो दो बेबी पिजन इसके निकले हैं, बहुत कमाल निकले हैं यार, क्या बात है। बाकी तो जब उड़ाएंगे तो हतमी फैसला तो फिर ही होगा उड़ाने के बाद। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लें और इसको ऑल पे कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू मामा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।